Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope you all doing fine. Welcome to my vlogs. So it's been a very long time, काफी time हो गया, semester गुजर गया, पहला semester अल्हम्दुलिल्लाह GPA उठा ली, अच्छी आ गई, clear हो गए और अब वही जो पहले जो plans था वही करने हैं, उन्हें continue करना है. vlogs बनाना दोबारा मैंने शुरू किया है and right now ये जो vlog है वो किस लिए मैं बना रहा हूँ, यू विल फाइंड इट आउट प्रोबेबली इवेंचुअली, बट यू गॉट हैव टू वॉच देम आउट. ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग इट. एंड बस ये आपको एक हिंट दे देता हूँ कि किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं मैं और मेरे फ्रेंड. सो आई वांट टू शो यू, पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन, सी द बैग्स. और राइट नाउ माई फ्रेंड इज़ ऑन माई वे एंड ही इज़ कमिंग. आफ्टर दैट हम फिर निकलेंगे तो फिर जो भी होगा वो आपको पता चल ही जाएगा. सो कीप वॉचिंग इट, डोंट मिस एनीथिंग. ऑलराइट गाइस, सो दोस्त हमारे नली मेहताब भाई पैकिंग हो गई, मेरा सामान रख लिया. यार ये मैंने डेरी मिल्क भी लिया था आपके लिए, सही है ना, मजाक कर रहा हूँ, डेरी मिल्क मेरा, ये मैं ही खाऊंगा, ठीक है ना. अच्छा अच्छा, मैंने एक और चीज़ तेरे लिए सरप्राइजिंग रखा है. और ये आ गई हमारी ठंडी ठंडी बोतलें. ये कहाँ रखी है? दो और पड़ी हुई है मेरे पास. ये ले, रेड बुल वगैरह नहीं उठा तूने? क्लासिक. अच्छा क्या समझते हो, मज़ा आने वाला है ना? और कुछ उठा नहीं, कबाब वगैरह वहाँ पे फ्राई करेंगे बस वगैरह में. और यार मीठे में तो अपने पास कुछ भी नहीं है डेरी मिल्क के अलावा. ये भी हो गया सारा. चले आप शिकागो चल रहे हो और आपसे लोक नहीं लग रहा. खैर गाइस कीप वॉचिंग इट, आगे मज़ा आने वाला है, तो देखते रहो कीप वॉचिंग इट. हे गाइस, सो अब निकलने लगे हैं, ठीक है ना. देखते हैं भाई हम जा कहाँ रहे हैं. वैसे मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं. सरप्राइज टाइटल में तो लिखेंगे तो वैसे भी वो सरप्राइज, तो वैसे भी अनसरप्राइज ही हो जाएगा इसके अलावा. लेकिन खैर यार तेरी ब्लैक वाली कैप मुझ पे ज़्यादा सूट करती है. वेट फॉर इट एग्जैक्टली. चल भाई इसको नीचे करे यार, दबा दे फिर मैं था. यार मैं उस्मान को मिस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम शिकागो अपन उस्मान के साथ चले गए. एग्जैक्टली ब्रो, ब्रो मैंने अभी तक दिया ही नहीं है. गैस वाट अभी तक दिया ही नहीं है. अच्छा अभी वापस आके दूंगा. ओह शिट, एय. सो अभी हम जा रहे हैं ग्रे हाउंड की तरफ. मौसम अच्छा हो रहा है यार, यकीन कर, मतलब कि दिल नहीं कर रहा क्लीवलैंड छोड़ने को. ये बात है कि यार सुबह के टाइम पे है ना, मतलब कि मौसम बड़ा अच्छा होता है क्लीवलैंड में. गाइस दिस इज ग्रेहाउंड एंड वी आर फाइनली हियर. पहुंच गए हैं भाई, बस का वेट कर रहे हैं. अब देखते हैं बस कब तक आती है. इट्स अ वेरी पीसफुल, सी ओवर देयर दैट्स माय कैंपस, सी एस यू. हेलो व्हाट्स अप. Alright, so we are finally here and let's see. That's nice. Hey guys, so we are here. Oh my god, are you chalaki bhai? Haan, kaisa lag raha hai experience? America ki Davo. Kaisa tha America ki Davo ka, America ki New Khan se zyada lag. But it's good, you know. It's cheap. Yeah. So it's fine for us, right? Yeah. I hope कि यार इनका breakfast अच्छा है, क्योंकि मुझे अभी बड़ी भूख लग रही है यार. Try किसी बारे में. दिखा देते हैं यार थोड़ा, आप लोग भी देख लो जो भी देख रहे हैं वीडियो. मैंने कहा वो ऐसी होती है.
तेरा बाइक स्वैग लग रहा है यार, स्वैग लग रहा है अपन पार्टी के लिए रेडी फुल टाइम। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर हियर इन शिकागो एंड मैं हां मैं तो आपके साथ रहा यार। बस का एक्सपीरियंस कैसा रहा बस ये मुझे बता दे। बिल्कुल पाकिस्तान की दवाई थी, डाइवर लग रही थी और बहुत घटिया यार, बिल्कुल मज़ा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ट्रेन में जाए, थोड़ा सा बजट हम इंक्रीज करेंगे। राइट नाउ तो अभी हम शिकागो में हैं सर, यू नो प्रीटी मच गुड सिटी एंड मेरे हिसाब से मतलब कि ये जो सिटी है इट्स अ सिटी ऑफ बिल्डिंग्स। बिकॉज जब हम विंडी सिटी क्या बिल्डिंग सिटी भी है, इतने स्काई स्क्रैपर्स लगे पड़े हुए थे, स्काई स्क्रैपर्स भी लगे हुए थे। मतलब जैसे ही हम इंटर होते हैं शिकागो के मतलब के जोन में तो फौरन से ना हमें वही बिल्डिंग से नज़र आती है। सो स्पेसिकली इट्स प्रोबेबली लाइक दिस राइट, बट टू बी ऑनेस्ट यार जैसे हमारा I don't know. You gonna have to check on the map, bro. What? Hello? तुम यार भाग ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कोई पीछे पुलिस पड़ी है। आराम से चल। एनर्जी आ गई अपने। Yeah, exactly. यार शिकागो मुझे बिल्कुल है ना पाकिस्तान के शहर जैसा कराची है ना। Fast life. यार फास्ट लाइफ होती है कराची में। मैं कराची में रहा हूँ, शेरियार कराची का। सो इट्स बेसिकली फास्ट लाइफ राइट। आपको होना चाहिए था वैसे कराची में, लेकिन खैर आपके हिसाब से मतलब के और पाकिस्तान का कौन सा दूसरा शहर है जो मतलब के फास्ट है? लाहौर तो हो गई नहीं, लाहौर इतना फास्ट नहीं है। लाहौर में मैं 8 महीने रहा हूँ। इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद इतना फास्ट नहीं है जितना कराची है। बिकॉज कराची की जो लाइफ होती है वो मोस्टली ट्रैफिक में गुजर जाती है, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया स्टार्टिंग में। बट टू बी ऑनेस्ट मतलब कि जहाँ बड़ा शहर होता है वहाँ पे आपको अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं। सो ये शिकागो उसी तरीके से। क्लीनलैंड इज़ बेसिकली अ स्मॉल सिटी, नॉट दैट बिग वन। लेकिन जो शिकागो जो हमारे जो दूसरे शहर हो गए जस्ट लाइक न्यूयॉर्क में फास्ट लाइफ होती है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो ये यही चलता है। मौसम मुझे लग रहा था ठंड लगेगी, मैंने सोचा था जैकेट निकालना है, जैकेट निकाल के पहननी पड़ेगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब कि मौसम ठीक है। डोंट वॉक या सिग्नल ओवर देयर, वी आर गोइंग राइट। कहाँ घुमाने के लिए लेके चल रहा है? ये देखो टूर गाइड मुझे मिल गए। हम लोगों को टूर कराते हैं, आप मुझे टूर करा रहे हो, ये सीन हो गए अब। क्या हालात आ गए यार। पब्लिक को थोड़ा सा शहर तो दिखाऊं, किसी और टूर गाइड अच्छी जगह पे लेके चल। जबीन ये देखा है, स्क्राइस्क्रैपर्स। सी कह रहा हूँ ना, इट्स अ सिटी ऑफ स्क्राइस्क्रैपर्स ब्रो। सिग्नेचर बिल्डिंग, या वेल आई कैन सी दैट, आई टोल्ड यू इट्स अ स्क्राइस्क्रैपर्स, यू नो सिटी ऑफ। यार एक बात है, ये सफ़र बड़ा हैक्टिक था यार, थका दिया इस सफ़र ने। चलें बॉयज, ओ बॉयज हो गया, बॉयज का नाम सुनते ही मुझे उस्मान वाले ये सब याद आ जाते हैं। वेल आई मिस यू उस्मान, कि अगर फर्स्ट टाइम शिकागो आप मुझे यहाँ पे लेके आए थे, मम्मी तो आपको भी लेके आए थे, ये भी साथ में ही था। लेकिन डेफिनेटली वी मिस यू एंड शेरियार तो हमारा, शेरियार तो बॉस है हमारे। सो शेरियार भाई आई मिस यू टू ब्रो। सो कीप वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई सी यू after some hours, okay, keep watching.